नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए थे और अर्जुन ने सवाल किया, हे प्रभु, आप मुझे ये बताएं कि करण को दानवीर करण क्यों कहा जाता है, उससे दुनिया का महानतम दानी क्यों माना जाता है। भगवान कृष्ण ने उसकी बात सुनी और उसको ऐसे अनसुना सा कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये जो सामने तुम दो पहाड़ देख रहे हो, मैं इन पहाड़ों को सोने का बना रहा हूँ। ये सोने के पहाड़, तुम इसके आजू बाजू जितने गांव वाले हैं, तुम इन सबको ये पहाड़ बांट दो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसका कोई भी हिस्सा तुमने अपने लिए नहीं रखना, सबको बांट देना है। ऐसा कहकर भगवान वहां से उठकर चल दिए। अर्जुन ने गांव में जाकर ऐलान किया कि ये दो सोने के पहाड़ मैं कल तुम सब के बीच में बांटूंगा। तो कल सुबह से सभी गांववासी एक लाइन लगाकर यहां पर खड़े हो जाना। अगले दिन सुबह अर्जुन ने उस सोने की मिट्टी को कसियों से भर भर कर गाँव वासियों में बांटना शुरू किया। सुबह से लेकर शाम हो गई और बहुत सारे लोगों को सोने की मिट्टी बांटी। लेकिन अर्जुन इस बात को देखकर हैरान था कि जो पहाड़ थे उनका साइज एकदम वैसा ही था जैसे पहले था। ऐसा नहीं लगता था कि वो कुछ कम हो गए हैं या छोटे हो गए हैं। रात पड़ी तो अर्जुन बहुत थक गया और उसने कृष्णा से बोला कि कृष्णा, बस अब और नहीं होगा मुझसे, बाकी मैं कल करूँगा। अगले दिन सुबह फिर गांववासी वहाँ पर आए और अर्जुन ने भर भर कर सोने की मिट्टी खूब बांटी। रात पड़ गई लेकिन वो पहाड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे और कृष्णा ने बोला था कि सारा कुछ बांटना है, अपने लिए कुछ नहीं रखना। तो अर्जुन ने अगले दिन और फिर अगले दिन ऐसे कई दिन तक वो सोने की मिट्टी बांटता रहा लेकिन पहाड़ ख़त्म नहीं हुए। तो उसने भगवान से कहा कि हे कृष्णा, ये पहाड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। भगवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और अगले दिन उन्होंने करण को बुलाया। करण को बुलाकर उन्होंने वही बात उसको भी कही कि ये दो सोने के पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इनको सब गांव वालों में तुम बांट देना, लेकिन कोई भी चीज़ अपने पास मत रखना। ऐसा सुनते ही करण ने उसी समय सारे गांव वालों को वहाँ एकत्रित किया और उनको वहाँ पर बोला कि भाइयों, ये सारे के सारे सोने के दोनों पहाड़ मैं आपको देता हूँ, आप इसको सब आपस में बांट लेना। और ऐसा कहकर करण वहाँ से चल पड़ा और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब करण ने ऐसे दोनों पहाड़ गांव वालों के हवाले कर दिए तो कृष्णा मुस्कुराए और बोला, अर्जुन देखा तुमने, तुम्हारे और करण में क्या फ़र्क है। जिस वक़्त तुम मिट्टी बांट रहे थे तो एक एक मिट्टी का ढेर जब तुम गांव वालों को दे रहे थे तो मन ही मन उसका मूल्य अपने मन में कैलकुलेट कर रहे थे। तुम सोच रहे थे कि इतने मूल्य का सोना मैं इस आदमी को दान कर रहा हूँ और तुम्हें वो एक अहम आ गया, तुम्हारे में ईगो आ गई कि मैं कितना कुछ दान कर रहा हूँ। जबकि करण ने एक तरफ मेरे से चीज़ पकड़ी और दूसरी तरफ दान कर दी। उसने सोचा कि ये मेरी नहीं है, भगवान की चीज़ है, भगवान के लोगों को मैं आगे बांट दूँ। उसने अपने आप को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट सोचा, भगवान का इंस्ट्रूमेंट, और वो उस चीज़ के साथ अटैच नहीं हुआ। जबकि तुम उन सोने के पहाड़ों से इतने अटैच हो गए कि बांटते बांटते भी तुम सोचे जा रहे थे कि मैं कितना कुछ दान कर रहा हूँ।
यही है फर्क तुम में और करण में, इसीलिए उसको दानवीर करण कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तुमको ये शुक्र करना चाहिए कि वो अपने हिस्से का खाना तुम्हारे टेबल पर आकर खा रहा है। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं कि जब हमें भी आसक्ति हो जाती है कि ये हम अपनी चीज़ किसी को दे रहे हैं। हम शायद ये महसूस नहीं करते कि भगवान ने हमको जो दिया है हम उसी चीज़ को आगे दे रहे हैं किसी को। ये दो मनोभाव को इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। हमें लगता है कि ये जो दो मन के भाव हैं, अगर इसके डिफरेंस को आप भी समझ पाएं और आप भी कुछ दान करते हुए, किसी की कोई सहायता करते हुए, अपने आप को उस वस्तु से दूर रख के, अपने मन को उससे भिन्न रख के, अगर आप ये कार्य करते हैं तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें।